मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैक ऑफ ऑल। और आज हम नासिक में हैं और नासिक में हम आज जाएंगे पंचवटी, और जहाँ सीता जी रुकी थी, रामचंद्र जी रुके थे वो जगह, और भी कई जगह, एक दो जगह हैं वो दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और पूरा चैनल देख पूरा वीडियो देखिए आप, और उसके बाद हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, इसमें कैसे सुधार करें, तो हमें कमेंट करके बताइए। और इस सफ़र में आगे तो बने रहिए। हम लोग आ गए हैं काला राम मंदिर, और ये है उसका मेन एंट्रेंस। ये पंचवटी में है, ठीक है, ये पंचवटी के अंदर पड़ता है। ये है काला राम मंदिर। अभी सुबह सुबह है इसलिए यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, वीडियो लेना मना है, फिर भी हम लोग चोरी से ले रहे हैं। मंदिर के अंदर जाते हुए ये है परिसर। ऐसा इसका सब वैसी है, ऐसी मूर्ति आपको किधर नहीं मिली? हाँ, हमने भी नहीं देखा। कहाँ से आ रहे? हम बनारस से आ रहे हैं। बनारस मैं उसका रक्षण करूँगा। सामने हनुमान जी, हनुमान जी का 40 खंभा है। अच्छा, 40 खंभा क्यों? वहाँ हनुमान 40 पड़ेंगे तो आपकी मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। आप ये पायरे चढ़ के आए, अपने गिना नहीं होगा। वो 14 पायरे है। अच्छा, 14 पायरे क्यों? तो रामन ने वनवास काटा था 14 साल, इसको उसका प्रतीक है। 14 यहाँ जाते समय 11 है। अच्छा, 11 क्यों? कि अपने नाम से सबका नाम का गजर होना चाहिए, ऐसा इसका ये। जाते समय ऊपर 2.5 किलो का सोने का कलश, उस टाइम का प्योर अर्जुन, उसको कुछ किया नहीं। अच्छा, उसको चार बार निकलना है, जो वो लोग अब ये हो गए। अच्छा, चोरी कर तपोन में जाओ, तपोन वाले बंदा हूँ मैं। क्या पर आता सीता ऊपर त्र्यंबकेश्वर, वो भी त्र्यंबकेश्वर हो गया। जितना जगह श्री राम गए या रहे, हाँ, सब जगह सब जगह जा रहा है। आज के दिन कम त्र्यंबकेश्वर, अभी कितना टाइम कम है जाने का? अब तो परसों रामेश्वरम जाना है। त्र्यंबकेश्वर हो गया, हो गया। हाँ, त्र्यंबकेश्वर सप्तु का सप्तु सिंगा देवी, यहाँ से 90 किलो अपना राम जी का, वही जाना है जो राम जी के रास्ते में है। हाँ, वही है हम लोग का। हमने नासिक का और मंदिर भी नहीं देखा, राम हमारे बगल में है, ये बहुत विशेष स्थान है। प्रभु रामचंद्र जी का बहुत, उनके चरण दिख रहे हैं आपके सामने, बाकी तो चरण नहीं दिखते। चरण दिखने के लिए उतना फूल रखा जाता होगा तो कहाँ से दिखेगा, दर्शन ही नहीं होगा फिर। हमारा सर्वे न रोज सही बात है, बहुत त्याच्याशिवाय कसं आपल्याला वनवास, त्यांनी तर 14 वर्ष बोलले आपण जी ले ले लिया। ये काले राम मंदिर का परिसर, और ये मंदिर ऊपर सोने का कलश। परिसर बहुत बड़ा है, ये परिसर सफाई होता हुआ।
ये हनुमान मंडप है, ये हनुमान जी का मंदिर। चलिए अंदर चल के देखते हैं। यह मूर्ति और ये हनुमान जी और ठीक सामने राम जी की, ये राम जी खेल रहा है, मैनेज कर लीजिए, ठीक आमने सामने है। यहीं से सीता जी का हरण हुआ था, ये यहाँ पे बना। और मैं यहाँ से आपको गूगल लोकेशन आपको दे दूंगा, आप यहाँ से आराम से आ सकते हैं। ये सीता माता हिरण दिखाते हुए इधर, ये रावण भिक्षा मांग रहा है सीता जी से, भिक्षा मांगते हुए। ये कुछ मूर्तियां बनाई हुई हैं यहाँ पे उसको दर्शाने के लिए, उसको जीवंत बनाने के लिए। और देखिए उसे ये अपने रथ पर ले जाते हुए, रथ तो थी नहीं उस समय, पुष्पक विमान था, लेकिन ये बना दिया गया है। सीता गुफा में देखते हैं अंदर क्या देखने को मिलता है। ये पांच पेड़ और अंदर सीता गुफा बनाया हुआ है। मैं चलते हैं अभी थोड़ी देर में। अरे नहीं, मैं तो वेट कर रहा हूँ। पांच बरगद का पेड़ जिससे ये पंचवटी बना है, एक ये दूसरा बरगद का पेड़ और तीन चार दस हरे बरगद के पेड़ लता है। ऑटो का आवाज और ये पांच पेड़ यहाँ पे जिससे इसका नाम पंचवटी पड़ा। ये पुराने जमाने की बोला जाता है। ये है रामकुंड, रामकुंड है और यहाँ कहा जाता है ब्रह्मा जी ने सॉरी ब्रह्मा को मारने के बाद शिव जी ने यहाँ पे स्नान किया था, तब उनके उनके ब्रह्महत्या खत्म हुआ था। और यहाँ पे हर 12 साल पर कुंभ भी लगता है। छोटी सी जगह में कुंभ लगे तो भीड़ हो जाती होगी उस टाइम, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। आगे है मंदिर वगैरह है उधर, वहाँ पूरे भारत में से लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए आते हैं। अभी लता मंगेशकर का सिलसिला जी, लता मंगेशकर जी का अस्थि विसर्जन हुआ तो यही हुआ था। और ये इसका विशेष ऐसा महत्व है, हर लोग जो इधर खड़े है सब ये अस्थि विसर्जन के लिए आए हैं सर, दस क्रिया विधि के लिए। इधर का विशेष महत्व है, जो अपनी अस्थि होती है उसका हम लोग जो विसर्जन करते हैं, विसर्जन करने के बाद 2 मिनट के अंदर वो अस्थि का पानी हो जाता है, ये विशेष जगह का महत्व है। नहीं तो सर हर लोग अस्थि विसर्जन करते हैं सुबह से लेकर दोपहर शाम तक, सामने जाके सब पानी खत्म हो जाता है, सब अस्थि इकट्ठा हो जाएंगे, अपने पूरा डिग मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। इस जगह का विशेष महत्व है कि यहाँ अस्थि का तुरंत पानी हो जाता है, ऐसी जगह है। सामने गोदावरी मंदिर है, जो गोदावरी माता का सामने मंदिर है, गंगा गोदावरी मंदिर, गंगा गोदावरी मंदिर है। पैर धो लिया माँ गोदावरी से परमिशन लेके, अब यहाँ से आगे बढ़े रामेश्वर तक यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारा
सफाई करते हुए ये सफाई करनी सफाई करना ये है सफाई करने वाले निर्विषय दोरु बुधा दर्शनाने महादोष जाती बुधा स्पर्श मात्रे कामना पुष्ट होती बुधा मार्ग मात्रे परम पद पावी मन्ना पद अति सुंदर ये देखिए हमें बताया गया इसके बारे में लगातार सफाई का काम हो रहा है यहाँ पर लोग अस्थि विसर्जन भी कर रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि अस्थियाँ डालते ही वो सारी अस्थि पानी हो जाती है पानी में परिवर्तित हो जाती है नहीं तो सारी अस्थियाँ वहाँ जाके इकट्ठी हो जाती और पूरा पानी चौक हो जाता है तो ऐसा नहीं है और अभी कुछ दिन पहले स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का अस्थि यहीं पर विसर्जन किया गया था तो नासिक में हमारा सफ़र ख़त्म हो चुका है और हम लोग आज निकल रहे हैं अभी और यहाँ पे नासिक में आपको हमने दिखाया पंचवटी में काले राम मंदिर दिखाया फिर जहाँ सीता जी रही थी वो दिखाया वहाँ पे फोटोग्राफी मना था सीता गुफा का तो वो नहीं दिखाया और जहाँ से सीता जी का हरण हुआ था वो हमने आपको दिखाया और एक रामकुंड दिखाया जो कि काफ़ी अच्छा था और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और जाएंगे जहाँ जटायु का वध हुआ था रावण ने किया था तो वो देखने जा रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिए हम कल आपको दिखाएंगे वो चीज़ और मिलते हैं दूसरे एपिसोड में तब तक के लिए गुड बाय इन सब जगहों का गूगल लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा